नंबर ए, ई एस ए, दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक है जी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा, लिखना बंद कर दें, पेंसिल छोड़ दें आपसे, तो जो बहुत जरूरी है, एक ही टेक्निक सब टेक्निक पे आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा ये टेक्निक यूज की, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट। जिस बंदे को ये टेक्निक लॉन्च करनी आ जाती है, इंप्लीमेंट करनी आ जाती है, वो तरीका सीख लेता है, तो फिर उसके हाथ में स्टूडेंट का रिमोट आ जाता है। वो यहाँ भी बच्चा उसी का होता है, घर में भी उसी का ही होता है, फिर उस बच्चे को बार बार कोई चीज कहनी नहीं पड़ती। ये इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, ठीक है। ये वो टेक्निक है जो सारी सारी रात जगा देती है, वो ये टेक्निक है मरने मारने पर ले आती है, ये वो टेक्निक है कि जिससे इंसान हर कहना मानना शुरू कर देता है, ठीक है। हर एक को सीखनी चाहिए, वालिदैन को भी और टीचर्स को भी, कि किस तरह इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट से आप बच्चों को अटैच करके उनसे अच्छे काम ले सकते हैं। बाज़ लोग इससे नेगेटिव फायदे भी उठाते हैं, सोसाइटी में इससे नेगेटिव फायदे भी उठाते हैं। टीचर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सोचता है, तो वो इस टेक्निक से पॉजिटिव फायदा उठाता है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, अगर कहते हैं कि किस तरह आप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट कर सकते हैं, बता दूं कि रहने दूं जी, बिल्कुल बताएं। तो इसके चार प्रोसेस है जी, वो आपको पहले भी बताए हुए हैं, केयरिंग, शेयरिंग, हेयरिंग, और नंबर थ्री हेयरिंग और लिसनिंग। अगर ये चार चीजें आप में आ जाएं और आप इनको यूज करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, ले आए केयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों की, शेयरिंग आपके साथ लोग करना पसंद करें, हेयरिंग आप लोगों को लोग आपको सुनना पसंद करें, हेयरिंग सच बात करने की जरूरत पैदा हो जाए बच्चों में भी और आप में भी। जिस इंसान में ये चार खूबियां आ जाती हैं और वो प्रैक्टिकली इनको क्लासरूम में लॉन्च करता है, तो वो बच्चे रिजल्ट भी अच्छा निकालते हैं, कहना भी मानते हैं, मुअद्दब भी होते हैं, शरारतें भी नहीं करते, क्लासरूम भी साफ सुथरा रखते हैं, कॉपियां भी पूरी रखते हैं, हर काम उनका एक्यूरेट होता है अगर टीचर में ये चार चीजें आ जाए, क्योंकि इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट हो जाती है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी टेक्निक नहीं है। कोई क्वेश्चन जी?